नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके आपके चैनल ओ जेड एस्ट्रो दिनेश में। दोस्तों, बहुत सारे क्वेश्चन पुट होते हैं, आपके दिल में भी होगा, आपकी भी कोई इच्छा होगी जानने की, लेकिन आप पूछ नहीं पाते हो कई दफ़ा और कह भी नहीं पाते हो, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बंदा कहने में हिचकिचाता है। ठीक है, बात करते हैं यहाँ लव अफेयर की। जी हाँ दोस्तों, लव अफेयर सक्सेस किन लोगों का होता है? लव अफेयर में आजकल जो टीनेज हैं वो भी अपने डेट ऑफ बर्थ के माध्यम से आप पता लगा सकते हैं। अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ और टाइम एक्यूरेट अगर आपके पास है तो बेझिझक आप मेरे को मैसेज डाल सकते हैं, छोड़ सकते हैं, अपनी डेट ऑफ बर्थ कमेंट बॉक्स में डाल दें, आपका नेक्स्ट वीडियो में जवाब ज़रूर दिया जाएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे आज लव अफेयर, आगे जो रहने वाला है वो शेयर मार्केट का भी। इसी वीडियो में बता के जाऊँगा क्या आपको शेयर मार्केट या लॉटरी में धन लाभ हो सकता है या नहीं हो सकता। ठीक है, पहले हम यहाँ लव अफेयर के बारे में बात करेंगे। ठीक है जी, अब लव अफेयर किन का सक्सेस होता है देख लो, अब मेरे को बता दूँ मैं आपको, उसके बाद इसके बाद जो रहेगा हमारा वो गेन इन शेयर एंड लॉटरीज। क्या आपको शेयर बाज़ार में या किसी भी प्रकार की लॉटरी में प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, ये भी इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, वीडियो को पूरा देखें, कुछ भी समझ में नहीं आएगा फिर आप कहोगे कि आप बताते नहीं हो, आपने कभी बताया नहीं, आप वीडियो को पूरा नहीं देखते हो तो आपको पता कैसे लगेगा। ठीक है, गेन इन शेयर्स एंड लॉटरी, अब किन लोगों को फ़ायदा होगा और किन को नुकसान होगा, दूसरा नंबर पे रहेगा ये, पहले नंबर पे ये टॉपिक रहेगा, दूसरे नंबर पे ये रहेगा। ठीक है जी, अब इसके बाद तीसरे नंबर का जो टॉपिक रहेगा वो बड़ा दिलचस्प रहने वाला है। जो बच्चे स्पोर्ट्स में हैं, किसी भी प्रकार के गेम में हैं, स्पोर्ट्स में जैसे कि कॉमनवेल्थ गेम होते हैं हमारे, ओलंपिक जो गेम होते हैं, जैसे कि कुश्ती हुई, बैडमिंटन हुआ या क्रिकेट हुआ, किसी भी तरीके से जो स्पोर्ट्स में जो हमारे गेम्स होते हैं उनके लिए जो ये वीडियो खास रहने वाली है। तीसरे नंबर पे जो टॉपिक हमारा रहने वाला है वो बताया जाएगा आप स्पोर्ट्स में सक्सेस होगे या नहीं, आप किसी भी तरह का अवार्ड आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये इसमें मैं बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद मैं आपको जो चौथे नंबर पे जो हमारी चर्चा रहेगी, जो टॉपिक रहेगा लास्ट एंड फाइनल, वो मंत्र सिद्धि पे रहेगा। मंत्र सिद्धि पे आपको लाइफ में मंत्र सिद्धि, क्या आपको मंत्र सिद्धि प्राप्त हो सकती है या नहीं हो सकती है, अगर हो सकती है तो कौन सा मंत्र और किस देवता का मंत्र हम लें जो तुरंत सिद्ध हो जाए, बड़ी आसानी से सिद्ध हो जाए। ठीक है, इस पे चर्चा रहेगी। लव अफेयर में सबसे पहले आप केपी चार्ट, जो केपी चार्ट होता है हमारा, कस्प चार्ट जिसको बोलते हैं कुंडली का, उसमें अगर फिफ्थ सीएसएल अगर नक्षत्र लेवल पे 2-5-11 दिखाई, 2-5-11 नंबर दिखाए, तो आप प्रेम में प्यार में सफल होगे 101%, इसमें कोई दो राय नहीं, आपका लव अफेयर है वो सक्सेस होगा। ठीक है, ये सक्सेस होगा। फेलियर कौन होंगे, अगर फिफ्थ सीएसएल एनएल लेवल पे नक्षत्र लेवल पे 4 और 10 नंबर दिखाए तो फेलियर बोलेंगे, और होगा तो होगा, फेलियर बोला तो फेलियर ही होगा। 4-10 अगर आपका हाउस का सब लोड अगर नक्षत्र लेवल पर 4 और 10 जैसे नंबर लेके बैठा है तो आप प्यार मोहब्बत में फेलियर हो जाओगे, फेल हो जाओगे, 4 और 10 नंबर दिखाएगा तो आप फेल हो जाओगे। ठीक है, अगर फिफ्थ सीएसएल एनएल लेवल पर
नक्षत्र लेवल पर 2, 7 और 11 नंबर दिखाए तो लव कम अरेंज मैरिज बोलेंगे भाई, वो लव कम हो जाएगा अरेंज ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है, अरेंज मैरिज हो जाएगी वो, पहले प्यार तो होगा लेकिन वो अरेंज में बदल जाएगा, ठीक है, लव कम अरेंज बोलेंगे उसको। ये तो हो गया आशिकों के लिए। बिजनेसमैन के लिए, बिजनेसमैन के लिए आ जाते हैं अभी। अभी जो सेकंड नंबर का जो टॉपिक है हमारा वो शेयर मार्केट, शेयर मार्केट लॉटरी, लॉटरी जुआ सट्टा किसी भी प्रकार का रहेगा। सेकंड नंबर ये टॉपिक है। अब शेयर मार्केट में और लॉटरी में किन लोगों को फ़ायदा होगा, किन को हैवी प्रॉफिट होगा वो भी जान लें। देखिए अगर फिफ्थ सीएसएल 2, 6, 11 नक्षत्र लेवल पर 2, 6, 11 दिखाए तो हैवी प्रॉफिट होगा दोस्तों, हैवी प्रॉफिट बोलेंगे, ठीक है। अगर यहाँ लिख देते हैं इसको, 2, 6, 11 दिखाएगा तो गेन होगा शेयर मार्केट में, गेन होगा लॉटरी में भी गेन होगा आपको। 2, 6, 11 जैसे नंबर अगर लेके बैठा है आपका फिफ्थ सीएसएल नक्षत्र लेवल पे, ये ज़रूर ध्यान रखें। अगर आप में से किसी को ये बातें समझ में नहीं आती, पल्ले नहीं पड़ती, तो अपनी डेट ऑफ बर्थ और टाइम एक्यूरेट करके आप व्हाट्सअप कर सकते हो, पूछ सकते हो, ठीक है। जो टॉपिक मैं यहाँ पे बता रहा हूँ सिर्फ उन्हीं के बारे में पूछ सकते हो, अदरवाइज मैं किसी को कोई आंसर नहीं दूंगा, ठीक है। अगर आपका ये नंबर है और फिर भी आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा तो फिर आपकी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम मिलेगी, वो प्रॉब्लम को हम दूर कर देंगे कुछ थोड़े बहुत टिप्स आपको बता के, ठीक है। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं हमारे पास जिनका यूज़ करके आप आसानी से प्रॉफिट ले सकते हो, ठीक है, उसके लिए भी आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे से। अगर 2, 6, 11 की जगह 2, 6, 11 की जगह 5, 8, 12 या 2, 8, 12 ऐसे नंबर आपको प्रेजेंट हों तो ये आपको कंगाल बना देंगे, भूल के भी लॉटरी सट्टे में ना जाएं, शेयर मार्केट में ना घुसें आप। अगर ऐसा हुआ तो आप कंगले हो जाओगे, आपके पास खाने के लिए भी मोहताज हो जाओगे, ये बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। अब सेकंड नंबर का जो टॉपिक था हमारा वो क्लियर हो चुका है यहाँ पे, अभी इसको बैक कर लेते हैं यहाँ से। तीसरे नंबर पे जो हमारा टॉपिक है वो है स्पोर्ट्स एंड गेम। जितने भी पहलवान भाई लोग हैं वो भी ध्यान से देख लें वीडियो को, जो स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं वो भी ध्यान से देख लें, स्पोर्ट्स एंड गेम। अगर देखिए फिफ्थ सीएसएल अगर एनएल लेवल पर 2, 6, 11 आपको दिखाए, आपको ये नंबर मॉनेटरी बेनिफिट देगा। इससे हम देखेंगे ओनली ये आपको मॉनेटरी बेनिफिट देगा। अगर 2, 6, 10 और 11 भी अगर आपको ये प्रेजेंट करे तो आपको मॉनेटरी बेनिफिट के साथ साथ अवार्ड भी मिलेगा, ठीक है, ये नोट करें।
अगर आपको मिल जाए आपका फिफ्थ सीएसएल एनएल लेवल पर एट हाउस को प्रेजेंट करे तो आपकी रेपुटेशन डाउन होगी, आपकी रेपुटेशन गिर जाएगी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया ना? वीडियो लंबी हो जाएगी लेकिन टॉपिक बड़े ज़बरदस्त हैं। आप सबकी जो ज़्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं ना वो इन्हीं से रिलेटेड होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। टॉपिक नंबर 4, मंत्र सिद्धि। मंत्र सिद्धि ये देख लो आप, मंत्र सिद्धि किन लोगों को मिलती है? बहुत सारे हैं हमारे ग्रुप में जो हमेशा मन में उनको उनके ये क्वेश्चन रहता है और ये पूछते भी हैं कि गुरुजी हमें कौन सी मंत्र सिद्धि प्राप्त हो सकती है या हो सकती है या नहीं भी हो सकती। तो उनके लिए तो ये वीडियो बड़ी मज़ेदार होने वाली है। देखिए, मंत्र सिद्धि किन लोगों को प्राप्त होती है? अगर आपका फिफ्थ सीएसएल है ना, नक्षत्र लेवल पर, इसमें टेनेंटेड अनटेनेंटेड प्लेनेट जरूर देखेंगे, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगा आपको। फिफ्थ सीएसएल एनएल लेवल पर आपको 5 और 10 नंबर प्रेजेंट करें ना, तो मैं कहता हूँ आपको मंत्र सिद्धि से कोई रोक नहीं सकता और बड़ी आसानी से हो जाएगी। आप कहीं पे बैठ के, कहीं पे भी बैठ के अगर उस मंत्र को, किसी भी मंत्र को उठा लो, अगर ज़्यादा ही और डीप में जाना है तो फिर सीएसएल को हम नोट करेंगे वो प्लेनेट कौन सा है और जो उसके नंबर, जो उसके रिज़ल्ट दे रहा है नक्षत्र लेवल पे, उस प्लेनेट को हम नोट करेंगे, क्योंकि जो रिज़ल्ट देगा हम उस प्लेनेट का, जैसे कि मान लो यहाँ पे बुध का हुआ, मरकरी आपका एनएल है, तो आप गणेशा का कोई भी मंत्र ले लो वो सिद्ध हो जाएगा। अगर सिद्ध नहीं हो तो आके मुझसे बात कर लेना, ठीक है? नहीं तो कोई ताकत नहीं है जो आपको मंत्र सिद्धि से रोक दे। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, बेझिझक आप मुझसे कॉल पे बात कर सकते हो या फिर मेरे को मैसेज ड्रॉप कर सकते हो, ठीक है? जैसे भी टाइम मिलेगा मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूँगा।